अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ, शुक्र है खुदा का। क्या कर रही हो तुम? क्या कर रही हो जूबी के साथ? तंग कर रही हो? बाल तो सही करो, अपने बाल देखो। चलो पोनी बनवाओ, पोनी करवानी है। दाल जो है वो दम हो रही है, मूंग की दाल है ये, ड्राई। मेरा दिल चाह रहा था इसलिए मैंने कहा दाल बना ले। और आलू भी जो है वो प्रोसेस के अंदर ही हैं, ऑलमोस्ट हो ही गए हैं, बस इसको ज़रा मिक्स करना है। तो भाई ये हमारा पॉन्ड है और पॉन्ड को हमने खाली कर लिया है, ड्राई कर लिया है, धो लिया है, क्योंकि इसका हाल बहुत ख़राब हो रहा था, मैं बिल्कुल टाइम नहीं दे पा रही थी। और प्लांट्स भी बहुत बढ़ गए हैं यहाँ पे, तो इनको भी ट्रिम करना है आज। आज मैं सेकंड हाफ में ही घर आ गई हूँ, तो आके फिर ये वाला मामला निपटाना था, क्योंकि मछलियाँ मर जाती हैं, अगर आप उनको उनके एनवायरमेंट चेंज कराएँ तो। बस इसको अभी डन करेंगे और फिर आपको दिखाते हैं कि ये तैयार होने के बाद कैसा लगता है। तो इसके स्टोन्स वगैरह भी सारे निकाल के वॉश कर लिए, बस अब इसको पेंट करना है और पेंट करने के बाद फिर हम आपको चेक करवाएंगे। और आप व्यू चेक करें, कितने ज़बरदस्त डार्क बादल आए हैं। ये देखें मेरे फ्लावर्स हैं, ये सारे फ्लावर्स भी ग्लोइंग पे हैं, लेकिन आजकल ये कम फ्लावरिंग कर रहा है क्योंकि इसके अंदर काफ़ी पानी डल गया था, इसको पानी इतना नहीं चाहिए होता। तो बस अब हम स्टार्ट करते हैं इसको। अभी मैंने इसको स्टार्ट कर लिया, अभी हल्का सा एक कोड मारा है, आप इसको दूसरा कोड लगा के, पहले सिंगल कोड लगेगा फिर डबल कोड लगेगा, तो रेडी होता है तो फिर आपसे शेयर करते हैं। मेरे पास असल में 15 दिन से तकरीबन समझ लें मेरी जो बेसिक जो सारे काम करती है मेड वो आ नहीं रही, तो बहुत ही मुश्किल हुआ हुआ हर चीज़ को मैनेज करना, क्योंकि मुझे भी निकलना होता है और बहुत मसला होता है। लेकिन ये कि उसकी भी कोई मजबूरी है, इस वजह से मैंने कोई दूसरी मेड रखी नहीं अब तक। तो लेट्स सी देखें कब तक चलता है ये सब कुछ, क्योंकि पॉसिबल नहीं होता आपका एक साथ जो है बहुत सारी चीज़ें करना और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेके चलना, और फिर घर के काम तो काफ़ी जो है टायर हो जाता है बंदा। इस वजह से मैंने आज जो है हाफ डे ही मैं निकलाई हूँ, और आके मैंने कहा है चलो घर को निपटाते हैं। तो फिशेज़ जो हैं उसमें से 2-3 फिशेज़ भी हमारी मर गई हैं, और ये 6 मंथ से इनको मैं ग्रो कर रही हूँ। ये देखें ये इस साइज़ के होते हैं, ये इनका ये साइज़ होता है बेसिकली, इनके बेबीज़ हैं तो ये मैंने अलग किए हुए, इसी साइज़ के अंदर ये भी पैदा हुए थे, लेकिन अब माशाल्लाह ये इतने सारे और इतने बड़े हो गए, मैं नहीं चाह रही कि ये मर जाएं, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी पॉन्ड को जो है रेडी कर रही हूँ ताकि ये वापस अपनी जगह पर जाएँ, बिकॉज़ इनके लिए जगह बहुत छोटी है और क्वान्टिटी इनकी बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह से, तो ये पॉन्ड में ही हैप्पी रहते हैं। तो अब देखें इन्होंने एक मछली मर गई है, और आई थिंक ये मेरी फेवरेट मछली खा रहे हैं, ये जो मरी थी ये वाइट कलर की क्वीन थी हमारे पास, शायद वो मर गई है तो उसको फिशेस खा रही हैं। अच्छा ये पेंट हमने कर दिया है, लेकिन ये कि जितना इसको हो सका पेंट उतना कर दिया, क्योंकि मेरा स्प्रे पेंट जो है वो ख़त्म हो गई है और अब कोई है नहीं इस वक्त लाने वाला, तो जितना हो गया, क्योंकि मछलियों को ज़्यादा देर वेट नहीं करा सकते ना, तो ये कि कम से कम बेटर सिचुएशन में आ गया ये। तो अब इसके अंदर पानी भरते हैं थोड़ी देर में, थोड़ा सा इसका केमिकल ड्राई हो जाए फिर।
अभी मैंने इसमें 19 लीटर का 1 गैलन डाला है, 3 गैलन इसमें मिनिमम डालते हैं क्योंकि ये सारी बर्ड्स बैठी हुई हैं पीछे, ये सब पानी भी पीती हैं और शावर भी लेती हैं, ये भी अभी नहा के गए हैं। पानी हमने पूरा डाला भी नहीं है और बर्ड्स आना शुरू हो गए हैं पानी पीने के लिए, क्योंकि ये नहाते हैं और पानी पीते हैं यहाँ पर। पानी हमने इसमें पूरा डाल लिया है और बस मछलियों को शिफ्ट करना है, तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम रिक्वायर्ड है। ज़रा बच्चों को खाना खिला दूँ, उसके बाद जो है फिर इसको मछलियाँ इसमें शिफ्ट करेंगे। देखिए मेरी तुलसी है, ये बड़ी अच्छी इसकी स्मेल है। आजकल तो फ्लावरिंग कोई भी प्लांट नहीं कर रहा मेरा, जो है बहुत ही कम कर रहा है। एक दो ही फूल निकले हुए हैं बस। ये अनाया ने झूला ऑर्डर किया था दराज से, बहुत अच्छा इसकी फिनिशिंग है और बहुत ही रीजनेबल प्राइस है इसकी। आई थिंक 200 का मैंने वहाँ से लिया था ये, लेकिन ये कि आप देखें इसकी फिनिशिंग कितनी अच्छी है। और इसी के साथ का ना एक बंक बेड भी ऑर्डर किया था कुछ दिन पहले, क्योंकि ये चीज़ें जमा कर रही है अपने डॉल हाउस के लिए, तो बंक बेड की भी फिनिशिंग बहुत अच्छी है और ये भी कोई 200 रुपीज़ का जो है वो मुझे तराज से मिला है। और उसके बाद एक ये कबर्ड है, कबर्ड भी जो है इसने ऑर्डर की है, इसके साथ हैंगर्स भी हैं अंदर, ये हैंगर्स लगे हुए इसके, तो ये भी 200 की है और ये भी दराज से जो है ऑर्डर की थी। तो अब ये इनका प्रॉपर डिस्प्ले बना के इनकी सेटिंग करनी है और इन सारी चीज़ों को रखना है, तो मैंने कहा आप लोगों से शेयर करूं। ये भी मैंने दराज से ऑर्डर किया था और ये भी जो है 200 समथिंग का ही है, लेकिन ये मनी बॉक्स है बेसिकली, ये भी अनाया की ही कलेक्शन है, उसका ही मनी बॉक्स है ये। तो गुंडा है हमारे पास का, किसी को यहाँ नहीं रहने देता, सबको मार के भगा देता है। इसका विला है पीछे, इन जो पॉट्स हैं इसके पीछे इसका घर है, तो किसी को नहीं रहने देता है यहाँ पर, खुद रहता है बस, बस कहता है आओ खाओ पियो नहाओ और जाओ। हेलो, ये देखें वो सामने आपको अगर नज़र आ रही हैं, ये देखें बकरियां घुस आई हैं बहरिया के एरिया में, पीछे कठोर है ना वहाँ से, और सारे दरख्त जो है वो चट कर रही हैं बड़े मज़े से, बड़ी ब्यूटीफुल सी हैं वाइट और ब्राउन कलर की। तो ये बराबर वाले गांव से आ गए। तुम क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? अनाए देखो बकरियाँ, ये देखो कुछ फिशेस हमने डाल दी हैं अभी, और फिशेस क्योंकि बहुत ज़्यादा है तो अभी इनको निकालना पड़ेगा, तो निकालते हैं थोड़ी थोड़ी करके और फिर आपको दिखाते हैं। खुश हो गई हैं अब, बिल्कुल फ्रेश वाटर एंजॉय कर रही हैं, तो पत्थरों में बहुत एंजॉय करती हैं ना ये, पत्थरों के अंदर रहती हैं, ठंडा हो जाता है पानी उसके अंदर ही रहती हैं, तो बर्ड्स भी फिर इनको ये देखिए ना काही खा रही हैं अंदर। तो ये सब आ गए अपने नए घर में और बहुत खुश हैं, ये देखें इंजॉय कर रहे हैं सब। ये है रायता और ये रेड बीन्स हमने रात को बनाए थे वो हैं, उसके बाद आलू बने हैं अभी और रात को बिरयानी भी बनाई थी तो वो है, और साथ है दाल, माशाल्लाह टेबल सजी है। तो हम जा रहे हैं अभी बाहर, ज़रा सा मुझे काम है, थोड़ा सा कुछ चीज़ें लेनी है और उसके बाद जो है अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपने निकाल। बाय 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 चंदा मेरा बच्चा, मैं आ रही हूँ 2 मिनट में। आना है बाय अना बाय बाय, चलो जल्दी से जाओ, फोन ही बनवाओ अहमद से और नीचे जाओ, जाओ फुटबॉल लेके जाओ जल्दी से, जल्दी हाल देखो जरा अपना, जल्दी जाओ।
कोई बादल आप चेक करें जरा, देखें। और अजानें शुरू हो गई हैं और मैं हो गई थोड़ी सी लेट, मुझे कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने थे, तो देखें अब चलते हैं क्या होता है। तो आप बादल चेक करें, ज़बरदस्त माहौल बना हुआ है यहाँ पे और बादल ही बादल हैं आसमान पर माशाल्लाह।